गुरुवर न जाओ, यही कहती है धड़कन। आप छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हर दम याद आओगे। I want to say, my friend, all of you, try to be just like me. Because education is such type of weapon which you can make sublime and give you great respect and prestige in society. अच्छा, आज भी कलयुग में ऐसे जो शिक्षक हैं जिनके लिए बच्चे और बच्चियां रोते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी अंतिम विदाई है। मैं चाहता था कि मेरा दो चार साल और सेवा रहता तो मैं इन बच्चों को उस लायक बनाता। पैसे तो लाखों कमा लेते हैं आप, मगर इज्जत आप ये नहीं कमा पाएंगे जो ये बच्चों ने दिया है। एक बार ताली जरूर बजा देना बच्चों। तो चल, नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुख प्यार। दोस्तों, यहाँ पर विदाई समारोह है। यहाँ पर जितने सारे बच्चियाँ जो देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, आज सर जी हैं, बहुत ही क्या बताएं, इतने अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं कि स्टूडेंट ही आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम मिलते हैं अमीर हुसैन सर से। यहाँ पर दो दो शिक्षकों का विदाई है। अमीर हुसैन जी हैं और इधर एक शिक्षक, और क्या नाम है आपका सर? प्रधानाध्यापक लाल मोहन राम है इनका नाम। तो चलिए, अभी हम इन लोग से थोड़ा सा विजुअल लेते हैं। तो अच्छे बताइए सर, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लिए थे तो कैसा महसूस हो रहा था जब सरकारी आप टीचर बने थे? जिस दिन ज्वाइनिंग लिए तो हम सोचे कि बहुत अच्छा पद मिल गया, हम बड़ी मन से तन से बच्चों की सेवा करेंगे। क्योंकि हम बहुत कष्ट से पढ़े हैं और जहाँ जहाँ भी हम रहे हैं उसी प्रकार सब बच्चों को हम अपना ये बतलाए और कहे कि इसी रास्ते पर चलिए, अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, महान बन सकते हैं। अच्छे बताए, आप तो इंग्लिश पढ़ाते हैं जी, तो इंग्लिश में थोड़ा सा बच्चों के लिए बोल दीजिए। आई वॉन्ट टू से माई फ्रेंड ऑल ऑफ यू, ट्राई टू बी जस्ट लाइक मी, बिकॉज एजुकेशन इज सच टाइप ऑफ वेपन विच यू कैन यू मेक सबलाइम एंड गिव यू ग्रेट रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। अच्छा, आज आपकी विदाई है, तो आपको आज कैसा लग रहा है? आज आप स्कूल के लिए सदा के लिए चले जाएंगे, अपने घर, आप स्कूल में ही दोबारा नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो एक इनवाइट के रूप में आएंगे, मगर आप बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते हैं, खास करके रामबाग घटारो के बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो आपके मन के ऊपर है, या यहाँ के शिक्षक चाहेंगे तो आपको बुलाएंगे तो पढ़ा सकते हैं, मगर आप यहाँ से जब जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी अंतिम विदाई है। मैं चाहता था कि मेरा दो चार साल और सेवा रहता तो मैं इन बच्चों को उस लायक बनाता, लेकिन एक समय सीमा है, सीमित है, सबका एक दिन आता है, आज मेरा भी अंतिम समय है। देखिए, आप देखिए, यहाँ पर बच्चियाँ हैं, उन लोग से पूछते हैं आज सर का विदाई है कैसा लग रहा है? वो इंग्लिश के टीचर हैं, कैसा लग रहा है? ऐसे तो हम लोग यहीं इस स्कूल से निकल गए हैं, फिर भी हम लोग के सर, मतलब जितना इस स्कूल के बच्चों को मानते हैं उससे बढ़कर हम लोग मानते हैं। हम लोग निकल गए हैं फिर भी हम लोग महसूस नहीं होने देते हैं कि हम लोग इस स्कूल से निकले हुए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको लड़कियाँ नज़र आ रही है, ये आपको आंसू भरे हुए जैसे कि देख सकते हैं आंखों में, इनको भी देख लीजिए पीछे जो है आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सर, आज आपकी भी विदाई है, कैसा लग रहा है आपको कि जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ था उस दिन कैसा लग रहा था? जिस दिन मैं ज्वाइन किया था उस दिन यहाँ विद्यालय में मेरा निवास स्थान है, हम आए थे कि विद्यालय को खूब मैंने विकास करें, और विकास करने में हम कमी नहीं रखे। मैंने आप अपने स्कूल को नंबर वन रखे रामबाग घटारो का। आदर्श विद्यालय मेरे ही समय में हुआ था और आज यह विद्यालय जिला में प्रथम स्थान इसका। देखिए, यही जो है सर, जो पहले प्रिंसिपल थे, अब कार्यभार दे दिया गया अब मनोज सर को,
मनोज सर ने इस स्कूल को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन बना दिया। इन्होंने ऐसा फैसिलिटी दिए हैं यहाँ पर, और सरकार भी इनको ऐसा फैसिलिटी दे दिया कि इन बच्चों के चलते ही, बच्चों को आप देख लीजिए शेरनी है, जब ये आपको सामने नजर आ जाएगी ना तो दहाड़ के बोलती है, और जिस स्कूल में ही गए है हाई स्कूल मगर वहाँ पढ़ाई नहीं होती है वहाँ भी दहाड़ के बोलती है, मगर वहाँ के कुछ ऐसे जो शिक्षक हैं फिर भी कहते हैं कि बच्चियाँ तुम लोग कोई भी कोशिश कर लो मगर हम पढ़ाएंगे नहीं तुमको, चाहे जो भी कुछ कर लो। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, आप किसी को भविष्य नहीं बिगाड़िएगा, अगर आप किसी को भविष्य बिगाड़िएगा तो आपका भी बच्चा इसी तरह आपको नर्क में चला जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा कितना अलमोल होता है। खुशी क्या बोलना चाहती है आज सर जो है, आज विदाई इनकी समारोह है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से, हम लोग स्कूल इस स्कूल से निकल चुके थे फिर भी हम लोग को बहुत मानते थे सर, बहुत मानते थे, कुछ पढ़ाई की दिक्कत मतलब फोन करते थे, कुछ भी दिक्कत हो हमसे पूछना, हम लोग पढ़ने के लिए किताबें भी पढ़ते थे। जैसे कि देख रहे हैं सर आज आपकी विदाई है, आज आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत तो दुख व्यक्त हो रहा है कि हम, हमारे तो विद्यालय से विदाई हुआ हो गया 5-7 साल। अच्छा, लेकिन उस समय विदाई मेरा नहीं हुआ था, आज आज आपकी विदाई हो रही है, तो आज भी आपको लग रहा है कि रोना आ रहा है? बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है ना। ये देखिए रीचा यहाँ पर रो रही है, रीचा आखिर क्यों इतना रो रहे हैं सर? थोड़े अलग जा रहे हैं सर, आपके बुलाने पर आएंगे भी सर, मतलब आएंगे फिर हमेशा की तरह नहीं ना मिल पाएंगे। हम लोग इतने अच्छे टीचर थे, हमेशा कुछ भी पूछते थे, बोलते थे बेझिझक पूछ लेना, हम हमेशा कुछ भी हो फोन पर ही हमेशा गुड मॉर्निंग मैसेज वैसा। ये देख लीजिए यहाँ पर एक खुशी है, और खुशी है, खुशी विदाई गीत याद है? यस सर। गाइए तो थोड़ा सर के लिए गा दीजिए। सुना है यागन और सुना ये मन, गुरुवर न जाओ यही कहती है धड़कन, आप छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आओगे, प्यारी गुरुबानी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, सुना है आगन और सुना ये मन, गुरुवर न जाओ यही कहती है धड़कन, गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ से पाए, ज्ञान के अमृत देने आप खुद ही चले आए, प्रेम का धागा ऐसा बंधाया बन तोड़ा जाए, प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, सुना है आंगन और सुनाए मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। चलिए बहुत अच्छे, आज भी कलयुग में ऐसे जो शिक्षक हैं जिनके लिए बच्चे और बच्चियां रोते हैं, और आज आप देख लीजिए कुछ ऐसे जो सरकारी टीचर हैं कि बैठ के घर में तनख्वाह लेते हैं, और जब उनको बोला जाता है कि स्कूल में आके पढ़ाइए बोलते हैं कि मेरे बाप का स्कूल है, ये सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। मगर देख लो, देख लो ऐसे शिक्षक जो नाकाम है, बैठे बैठे तुम सैलरी ले रहे हो, आज इनको भी अमीर हुसैन जी को देख लीजिए, बच्चों से कितना लगाव है आज कलयुग में भी। यहाँ पर एक देखिए एक लड़का है जो सर के लिए कोई सैर शायरी सुना दो। हे रब हमारे माफ, हमारे गलती का माफ कौन करे, हमारे गलती का एहसास कौन करेगा, हमारे एक बार और गलती का माफ कौन करेगा, और माफ़ कर दीजिएगा अमीर सर, आप जा रहे हैं अगर कोई भी हमसे गलती हुआ होगा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा।
दोस्तों एक देख लीजिए लगाव इतना होता है कलयुग में भी कि यहाँ पर राम बन करके आ जाते हैं, गुरु बन के आ जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य बन कर आ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो ऐसे भी कलयुग में जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ बच्चियाँ जो हैं से रो रही है, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, इधर भी कुछ जो बच्चियाँ जो हैं रोना नहीं चाहती है, फिर भी ये रो जाती है क्योंकि ये सर से इतना लगाव था। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, जो शिक्षक जो घर बैठे तनख्वाह ले रहे ना, उनको पता चले कि पढ़ाने का क्या रुतबा होता है और पढ़ाने से क्या ईमान मिलता है। पैसे तो लाखों कमा लेते हैं आप, मगर इज्जत आप ये नहीं कमा पाएंगे जो ये बच्चों ने दिया है। एक बार ताली जरूर बजा देना बच्चों। तो चलिए दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, और एक मिनट आइए, हमारे मनोज सर हैं, आइए मनोज सर जो इस स्कूल का प्रधानाचार्य बन गए हैं, जिन्होंने इस स्कूल को नंबर वन बनाए हैं और इन्हीं का पढ़ाए हुए इन लोग छात्र छात्राएं हैं। मनोज सर आप क्या बोलना चाहते हैं अमीर हुसैन सर के लिए, जो हमें सहायक शिक्षक के रूप में इन्होंने हमारे साथ काम किया, या अपने कार्य के बदौलत अमिट छाप छोड़े हैं और शायद इसका जो रिक्ति होगी हमारे पास भविष्य में, नज़दीकी भविष्य में लगता है कि इसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो को जितना हो सके उतना दबा के शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ।